आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, अर्जुन का वंशज, महाभारत के वीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर और उच्चारण में भारत के महाभारत की है कथा, कहानी, इतिहास आपको स्वयं सुना रहा हूं। अभी तक आपने उन लोगों के मुख से या उन लोगों की लेखनी को पढ़ा है या सुना है जिनका भारत से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, कोई दूर दूर तक नाता नहीं, जिनका भारत के इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, जो पैसा लेकर लिखते हैं, पैसा लेकर के ही गाते हैं, जिन्हें भाण, चारण, भाट, मागध और कई शब्दों से उच्चारित किया जाता है, ये दास गुलाम अभी तक भारत के इतिहास उनने कहे हैं, सुने हैं, सुनाए हैं। आज आप स्वयं अर्जुन के वंशज और महाभारत सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी के स्वर के सुन रहे हैं। ये नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, मैं स्वयं।
अपने ही वंश की वह कथा अपने स्वयं के ही स्वर में, मैं भौतिक साक्षियों के आपको दिखाता चला आ रहा हूं। यह भारत फिल्म का यह भाग, ये अभी सफर में है, जहां महाभारत समाप्त हुआ, जहां इंद्रप्रस्थ समाप्त हुआ, जहां से भारत के इतिहास ने मोड़ लिया, इस विश्व भूधरा से जहां से महाभारत की सल्तनत समाप्त हुई, यह वह जगह, यह वह दुर्लभ जगह है, यह वह घड़ी है। उस घड़ी की ओर हमारी मंजिल है, हम उसको आपको दिखाने जा रहे हैं। वह भगेश्वरी, वह ऐसा घड़ी जो महाराजा नंगापाल सिंह तोमर ने स्वयं निर्मित की, स्वयं बनाई, दिल्ली से आकर के जो नई राजधानी बनी तोमरों की, पांडवों की, वो जगह ही हमारी मंजिल है। जब तक हम सफर में हैं, तब तक आपसे कुछ महाभारत की कथा का वर्णन करते चलते हैं, सुनाते चलते हैं, आप सुनते चलिए, फिर आपको वह स्थान दिखाएंगे। हम आपको पुराना किला, इंद्रप्रस्थ का किला पूरा दिखाएंगे। महाभारत जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, वो दोनों जगह दिखाएंगे, बीच में क्या क्या हुआ वो सब बताएंगे, सारी वंशावलियां भी बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह तोमर घर है, यह वह क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र, तोमरों को भारत कहा जाता है, तोमर ही, तोमर राजवंशी भारत कहा जाता है। ये बात हम उस स्थान के लिए सफर कर रहे हैं और यह संयोग की बात है कि तीन पीढ़ियां एक साथ ही सफर पर निकली हैं, मेरे पिता और मेरा पुत्र और स्वयं मैं, तीनों साथ सफर पर जा रहे हैं उस स्थान की ओर, दिल्ली पक्की उस ऐसा घड़ी की ओर जहां महाभारत का अंत होता है और भारत सिर्फ यहीं रह हो करके नहीं होता है। ये तोमर घर, ये तोमर घर, ये भारत यहाँ ऐसा घड़ी में रहा, उसके बाद कैसे ग्वालियर पर हम लोगों ने साम्राज्य बनाया, फिर कैसे हल्दी घाटी तक पहुँचे, वह कथाएँ सब बाद में सुना, बाद में आगे आएंगी। फिलहाल हम, आप देखिए, चंबल के भीड़ों में सफर में हैं, चंबल के भीड़ों में से गुजर रहे हैं और आप दृश्य देखते जाइए, ये चंबल के भीड़ हैं। लोग भले ही इनसे खौफ खाते हों, लेकिन हमारा ये घर है, आदिकाल से घर है, जब से महाभारत सम्राट यहाँ चंबल में आए तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं, यहीं जन्म हुआ हमारा, इसी माटी में, और ये चंबल की सैर है, आप देखते जाइए और हम गुजरते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग वहाँ पहुँचे और ये सफ़र पूरा हो, इस कहानी को हम तब तक महाभारत की चर्चा जो है, जिस पर कि ये फिल्म आधारित है, जो भारत ने बनाया, वो क्या था, कैसे था, कौन सा वंश कैसे चला, किस वंश की क्या कथा है, कौन कहाँ का राजा बना, किसको कहाँ का राज्य दिया, किसको हमने कहाँ का अधिपति बनाया, किसको कहाँ का स्वामी बनाया, ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं जो हम तब तक करते चलेंगे और इस कहानी को बताते चलेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ बातें हैं जो कर लेना जरूरी है। श्री महाभारत जो ग्रंथ है और श्री महाभारत जो युद्ध है,
जिसकी कथा उस ग्रंथ में है। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, परशुराम जी ने कैसे श्री कृष्ण को पहले ही बता दिया कि महाभारत नाम का एक युद्ध होगा, भीषण संग्राम होगा और भारत महाभारत बनाएगा, ये सब पूरी बातें कथाएं इसमें आगे आएंगी। कुछ वंशावलियों का वर्णन आएगा तो वो सब हम आपको बताते चलते हैं। इससे पूर्व महाभारत को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह सुनना चाहिए, उसका भी एक विधान है। उस विधान का जो उल्लेख है उस चर्चा को हम आपसे करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि नारायण यानी अंतर्यामी नारायण, नर यानी कि नारायण के सखा अर्जुन यानी कि आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है उन व्यास जी प्रणाम करके अविद्या रूपी अंधक अज्ञान के अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करना चाहिए। फिर सौती जी ने, सौती जी जो ऋषि हुए हैं मुनि हुए हैं, उन्होंने कहा द्वैपायनोष्ट पुट निशरत प्रमेयम पुण्यम पवित्रमत पापहरम शिवम च यो भारतम समनिगच्छत वाच्यमानम किम तस्य पुष्कर जलाई भी शेचनेन। सोती जी ने कहा है जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है उसे पुष्कर के तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत की कथा पुष्कर के जल के तीर्थ से कहीं और भी करोड़ों गुना ज्यादा अधिक पावन है। फिर आगे कहा है माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पाराशर पुत्र व्यास जी की जय, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वाणमय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के सींग में सोना मढ़वा कर वेद वेत्ता एवं बाहुल्य ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौए दान देता है और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। यानी कि बहुत कितना महत्वपूर्ण है महाभारत का श्रवण मात्र करना, सुनना मात्र, के गौओं के सींग में सोना मढ़वाकर वेद वेत्ता वेदों के ज्ञानी वेदों के विद्वान और बहु के ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौए दान देता है वो एक तरफ, और जो केवल सिर्फ और सिर्फ पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों को बराबर फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त
तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाले हैं। उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से भी उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेय और राजसूर्य यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है वही फल श्री महाभारत ग्रंथ के केवल हरिवंश पर्व का दान करने से ही मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म्य का ज्ञान गान किया। तो महर्षि वाल्मीकि ने भी इसका बहुत स्तुति और गान किया है और व्यास जी ने तो यह श्लोक ही कहा है। तो जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता है या लिखवाता है वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। यह बात जो है कही ये श्लोक ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं। ब्रह्मा जी से छठी पीढ़ी ऊपर हैं श्री भगवान नारायण और वो जो बताया गया है इस प्रकार से है। व्यास, पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा भगवान नारायण, इस प्रकार गणना करने पर श्री नारायण देव व्यास जी से छठी पीढ़ी ऊपर के ऊपर छठी पीढ़ी के पूर्वज है वो स्वयं भगवान नारायण। तो जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है एकमात्र शुकदेव ही जिनके पुत्र हैं अथवा जो अपने पिता पाराशर के एक ही पुत्र हैं वैदिक ज्ञान की महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैप पाए व्यास जी की मैं उपासना करता हूं। अब कुलपति किसको कहते हैं ये भी बड़ी गजब की बात है। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरुहूत बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुष यानी बहुसंख्यक उपासकों द्वारा करते हुए निकलना ऋतु समझे वो बड़ी सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवमय अथवा एक अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। तो यहाँ जो कुलपति शब्द आया है पहले उसका जो अर्थ या उसका पूरा जो असली जो मतलब है वो ये है जो 11,000 तपस्वियों को अन्न आदि देकर पालन करता है वह वेद वेदांगण पारगामी ऋषि कुलपति कहलाता है यानी कुलपति उसको कहा जाता है जो 11,000 तपस्वियों को अन्न आदि देकर पालन करता है वह वेद वेदांगणा पारगामी यानी वेद और वेदों से भी ऊपर पारगामी हो जाता है। उसे सारे जो ज्ञान होते हैं समस्त शास्त्रों के ग्रंथों के वेदों सभी ऐसा ऋषि कुलपति कहलाता है।
ये भी आप कुलपति नहीं होते जो पर्यावरण ये संरक्षण जो आदि में विश्वविद्यालय और वो जो आज की बहुत जो अच्छा कार्य करने बना वाले दिए जाते हैं, जो असल भारत है, हम उस असल भारत मैं भी का उनके कथा सिद्धांत या को सुना रहे हैं, वो भी श्री महाभारत से, महाभारत ग्रंथ से। उसमें जो परिभाषा दी है या व्याख्या दी है या इसका जो अर्थ दिया है वो ये है, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्य रूप, सद सत कारण और कार्य रूप, अखिल विश्वमय सत और असत दोनों से परे विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा, पुरातन सर्वोत्कृष्ट अधिकारी मंगलकारी, मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय, पाप रहित परम पवित्र, इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोम हर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा से इस प्रकार पूछा। शौनक जी बोले, शौनक जी ने कहा कि हे सूत नंदन, आपने भरत वंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुह्यकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत का पूरा ग्रंथ कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूर वीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। हे उग्र श्रवाई, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप इन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। तब सोती जी कहते हैं, तब सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्म वेत्ता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूं। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, अब जन्मेजय सिंह तोमर जो कि इस कथा को सुन रहे, उन्हीं को यह कथा सुनाई गई हरिवंश पर। तो जन्मेजय ने कहा, मुनि जन्मेजय को सभी मतलब बहुत जितने भी सम्राट हुए हैं, जन्मेजय सिंह तोमर को सबसे ज्यादा चतुर, बुद्धिमान और विवेकवान माना गया है। और वो इतना चतुराई से प्रश्न पूछते थे कि उनके कुछ प्रश्नों पर व्यास जी भी मौन रह गए, वो भी उत्तर नहीं दे पाए। स्वयं वेद व्यास जी उनके प्रश्नों के, कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए और वो निरुत्तर हो गए। यह प्रसंग सब कथाएं इस भारत फिल्म में आगे आएंगी, उनका वर्णन आएगा, वो बताएंगे कब के ऐसा हुआ, क्यों हुआ। तो जन्मेजय के बड़े सार गर्भित और गंभीर प्रश्न रहते थे और बुद्धिमानी से भरे हुए रहते थे, जिसमें उलझ जाते थे सभी ऋषि मुनि, जवाब देते नहीं बनता। तो जन्मेजय सिंह तोमर जो है अर्जुन के प्रपोत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सिंह तोमर थे। जन्मेजय सिंह तोमर ही वह राजा थे जिन्होंने सर्प सत्र किया था। सर्प सत्र वो करना नहीं चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया था,
लेकिन किस तरह जरत्कारु ने उनको के क्या क्या बातें कही, क्यों करवाया, जबरदस्ती करवाया गया था, वो सब प्रसंग इस भारत फिल्म में आगे आएंगे और उनको हम सुनाएंगे आपको। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम भारत की उस यात्रा पर हैं जहां भारत ने महाभारत बनाया, इस संपूर्ण विश्व धरा पर, सारी भूमि पर, सातों द्वीपों, सातों आसमान और सातों सागर और सातों पाताल पर एक छत्र साम्राज्य किया। 5500 वर्ष तक जिस भारत का महाभारत रहा, आज उस महाभारत की कथा की ओर हम अपने पांव बढ़ा रहे हैं। हम जहां महाभारत का अंत हुआ उस स्थान की ओर जा रहे हैं, यानी कि उस स्थान ऐसा घड़ी जहां महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली को छोड़कर जब अपनी यात्रा पर निकले और चंबल में यहां आकर रुके, यह स्थान ऐसा गढ़ी जहां पर उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और यहीं पर अपनी गढ़ी स्थापित की, किला स्थापित किया। ये किला बहुत छोटा, लेकिन महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर महाभारत सम्राट, महाभारत के अंतिम सम्राट द्वारा निर्मित है। यहीं से भारत का पूरा इतिहास एक मोड़ लेता है, पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरी संस्कृति, पूरा उसका नक्शा, सब कुछ यहाँ परिवर्तित होता है। ये महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के द्वारा बनवाई गई ऐसा घड़ी, और यहीं कुलदेवी का मंदिर जो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने यहीं पर बनवाया ऐसा घड़ी, इसे भगेसुरी कहते हैं। इसका नाम भगेसुरी क्यों पड़ा, यह बात भी बड़ी स्पष्ट और साफ है। तोमर राजवंश की कुलदेवी हैं योगेश्वरी, योग माया या योग माता, योग निद्रा, जो कि भगवान श्री हरि, विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र की बहन है। वे तोमर राजवंश की कुलदेवी हैं। उनका मंदिर दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में किले में पांडवों द्वारा स्थापित कराया गया, जो कि पुराना किला में स्थापित है। उसके अलावा अन्य मंदिर कुरुक्षेत्र स्थान में महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने बनवाया, और उन्हीं का एक मंदिर कालिका के नाम से, जो महाकाली का मंदिर है, कालिका मंदिर है दिल्ली में, वो भी महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने बनवाया। अनंगपुरी वहीं पर स्थापित है, और जो पुराना किला के आसपास में जिस झील का उन्होंने पुनरुद्धार करवाया, जिसमें गिर पड़ा था दुर्योधन, उससे अनंग लेक यानी अनंग ताल या अनंग झील कहते हैं, जो कि पुराना किला के चारों ओर, इंद्रप्रस्थ के किले के चारों ओर स्थापित है, और इस समय वो एक पर्यटन झील के तौर पर विकसित है, और वहाँ लोग पर्यटन के लिए उस झील में
सैर के लिए जाते हैं। तो वही महाराजा नंगपाल सिंह तोमर जब दिल्ली से चले, पृथ्वीराज चौहान ने धोखा दे दिया था। उसके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, मोह पैदा। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो इसी भारत फिल्म में, महाभारत ग्रंथ में ही दिए हुए हैं, उनका वर्णन हम आगे करेंगे। तो धर्म के 10 दोष होते हैं, वो 10 दोष उसमें उत्पन्न हुए। उन दोषों के कारण वह लोभी, लालची, मोही होकर के पथ भ्रष्ट हुआ और धर्म भ्रष्ट होकर के अंधा हुआ। इसलिए ही उसकी जो महाभारत सम्राट दिल्ली पर महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का बड़ा पुत्र था, जिसका नाम मोहम्मद गोरी हुआ, जिसे पठान को सौंप दिया था महल की परिचारिका ने, जिसे आज की भाषा में दासी कहते हैं। वो महल की सेविका महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की बहुत वफादार और बहुत ही उनके प्रति निष्ठा रखने वाली, भारत के प्रति उसके मन में देशभक्ति का कूट कूट कर भरा हुआ भाव। जैसे एक कहानी चलती है पन्ना थाई की, पन्ना थाई का बलिदान भारत के इतिहास में अमर है, उसी तरह से उस परिचारिका दासी का भी यह बलिदान भारत के पूरे ही इतिहास में एक ऐसी अमिट कहानी है जो लिखी नहीं गई, कही नहीं गई, मगर जो उसने कर दिखाया उस मोहम्मद गोरी को तो घूरे पर फेंकने के लिए महल में षड्यंत्र चल रहे थे। तो महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का छोटा भाई था मदन पाल सिंह तोमर, उसकी दो पुत्रियां थी, उनका दो पुत्रियों का विवाह, एक का कन्नौज के राजा राठौर के साथ हुआ था विवाह, और दूसरी पुत्री का विवाह विग्रहराज अजमेर का राजा था चौहान उसके साथ। एक का पुत्र हुआ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी का पुत्र हुआ जयचंद राठौर। तो ये मदन पाल की जो दो पुत्रियां थीं और जो दो दामाद थे, बिजली संचार व्यवस्था उसमें तीसरा विद्युत प्रवाह, जब महल में षड्यंत्र रचे जा रहे थे और महाभारत सम्राट के कोई संतान न थी, तो उनके जब पुत्र हुआ बड़ा पुत्र, तो षड्यंत्र रचकर उसे घूरे पर फेंकवाने के लिए परिचारिका को सौंपा गया दासी को, और महारानी को मृतवत्सा यानी कि मरे हुए पुत्र को जन्म देने वाली एक पांच औरत, यह साबित करने की वहां पर प्रयास किए गए। उस दासी ने जब मुखमंडल देखा राजकुमार का, उसकी ममता उमड़ पड़ी और उसने उसे घूरे पर नहीं फेंका। बगल में से जो पठान गुजर रहा था वो उस पठान को सौंपा, उसे बताया कि यह महाराजा महाभारत के सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की संतान है, इस प्रकार से महल में षड्यंत्र रचा गया है और मुझे घूरे पर फेंकने के लिए इसको भेजा गया है, इसको मार डाल लेंगे, लेकिन तुम इसको ले जाओ, इसको पालो पोसो बड़ा कर और इसे राजकुमार की तरह। तब वह पठान के मुंह से शब्द निकला कि यह मोहम्मद का दिया हुआ आशीर्वाद, उस मोहम्मद उस
उसका नाम रखा गोरा चिट्टा था तो उसने गोरा ही नाम रख दिया, मोहम्मद गौर, मोहम्मद गौर, और वो गोरी कहलाया। फिर उसने आकर के, उसकी उम्र बहुत कम थी, पृथ्वीराज चौहान की उम्र बहुत थी, लेकिन उस पठान ने उसे पाल पोस करके अस्त्र शस्त्र की समस्त दीक्षाएं दी और राजकुमार की तरह पाला पोसा, और अंततः वो अपने पराक्रम के जरिए गजनी का सुल्तान, वहां का सुल्तान बना, सम्राट बन गया। सम्राट उसको यू नहीं कहा जा सकता क्योंकि सम्राट के लिए यह शर्त है कि राजसूयत करना अनिवार्य। जब आप एक राजसूय यज्ञ करते हैं तब आप सम्राट चूंकि तोमरों ने वह किया राजसूयत, इसलिए तोमर राजवंश सम्राट। ये सम्राट की उपाधि उसके बाद में किसी अन्य को नहीं, चूंकि गौरी तोमर राजवंश का ही कुलदीपक था, इसलिए उसे सम्राट की भी उपाधि या सम्राट भी पुकारा गया। गजनी के सुल्तान को ही सम्राट कहा गया, अन्य किसी को सम्राट नहीं कहा जा सकता। कोई सम्राट होने के लिए एक राजसूय यज्ञ कम से कम किया जाना अनिवार्य। यह कहानी वहां तक चली, उसकी उम्र कम थी, कम उम्र में भी उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए उसके पिता यहाँ चले आए चंबल में, ऐसा घड़ी में उन्होंने अपनी घड़ी बना करके यहाँ से निवास शुरू किया। वो भी इस प्रकार से कि उसमें एक शर्त रखी थी पृथ्वीराज चौहान ने, उनको हाथी दिया था कि नाना ये हाथी जहाँ भी बैठ जाए वहीं से आपका साम्राज्य शुरू होता है। हाथी बहुत देर में बैठता है, हाथी को बैठने में काफी समय है। तो दिल्ली पर महाराजा नंगापाल सिंह तोमर उस हाथी पर सवार होकर जगह जगह खेड़ा डालते हुए जब आगे बढ़े अपने हाथ में तो तमाम खेड़े बने हुए हैं, खेड़ा गढ़ है, अपनी राजा खेड़ा है, ये सब महाराजा नंगापाल सिंह द्वारा जो खेड़ा डाले गए हैं सम्मान वो स्थान है। मगर वो हाथी फिर भी नहीं बैठा, वो हाथी यहाँ ऐसा गढ़ी में आकर के बैठा। जब ऐसा गढ़ी में बैठा चंबल के किनारे आकर, तब वहाँ ऐसा गढ़ी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, गढ़ी बनाई, बहुत सुरक्षित और माकूल स्थान है, चंबल के एन किनारे पर है। मगर चंबल कितनी भी चढ़ जाए ऐसा गढ़ी के किले को और बागेश्वरी मंदिर को चरण स्पर्श कर लौट जाती है। बागेश्वरी मंदिर से ही गौमुख निकले हैं, उनमें गंगा आती है, गंगा जी का जल आता है, गंगा जल आता है, गुप्त है, गुप्त रूप से आता है, देवी के चरणों को स्पर्श करके वो गंगा जल उन गौमुखों में से उगर के उस नदी में, चंबल नदी में गिरता है। चंबल नदी में जिस जगह गिरता है वहां पर एक स्थाई भवन सदैव और बिल्कुल स्थाई रूप से स्थित है, और उसकी जो आकृति है उस भंवर की, ये जो हम सैटेलाइट द्वारा हमने इसके चित्र लिए इस स्थान के बागेश्वरी मंदिर के ऊपर, बागेश्वरी मंदिर है, उसमें से उसके पहाड़ में से ये गुप्त रूप से जो जल आता है न जाने कहाँ से आता है, इसे गंगा जी, यहाँ जो पहले संत रहते थे, महंत रहते थे, और जो महाराजा नंगापाल सिंह तोमर द्वारा या तोमर राजवंश द्वारा आगे की पीढ़ियों में नियुक्त किए गए, यहाँ नियुक्ति संत और महात्मा की तोमर राजवंश करता, या फिर कोई तोमर ही यहाँ पर
जो है संकट बंद होता है। अन्य किसी का प्रवेश तोमर राजा किया के बगैर या किसी तोमर संत के बगैर इस मंदिर को कोई स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि हम नीचे गंगा निकल इसी पर्वत के निचले गौमुखों में से गंगा निकलती है जो कि इस नदी में जाती है, और इसमें नदी में जो भंवर है उसकी आकृति जो कामाख्या आश्रम कामाख्या मंदिर है 52 शक्ति पीठों में से एक, उसमें जो आकृति है ज्यों की त्यों हू बहु, वही जो कि योनि की आकृति है, एक भग की आकृति है, देवी कामाख्या यहाँ पर मौजूद हैं। माँ महाकाली ने स्वयं साक्षात यहाँ पर दर्शन दे करके और प्रमाण दिया कि साक्षात योगेश्वरी जिनको महाकाली कहते हैं उन्हीं को महाकामाख्या कहते हैं, जो कामाख्या मंदिर आसा वो कामाख्या यहाँ प्रकट हुई और इस सैटेलाइट चित्र में ये स्पष्ट दिख रहा है ये स्थायी रूप से यहाँ मौजूद हैं, हमेशा मौजूद रहती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम भगेश्वरी पड़ा, इसलिए इसको भगेश्वरी कहा जाता है। इसी स्थान को भवेश्वरी भी कहते हैं, भवेश्वरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो गंगा गिरती है इसमें ये जो संत महात्माओं ने इसमें सोठा मारे थे, सोठे मार के यहाँ से गंगा निकाली थी, क्योंकि उन्हें गंगा स्नान करने जाना था तो उन्होंने कहा गंगा को यहीं बुला लेते हैं, सोठे मारे तो गौमुख बनवाए गए, गौमुख तब बनवाए गए जब इसमें से गंगा निकल पड़ी, गंगा जल निकल पड़ा, तो गंगा साक्षात यहाँ प्रकट होती हैं जो कि यहाँ चंबल में इन गौमुखों के जरिए जल गिरता है तो उसमें मिलती हैं। ये भगेश्वरी और भवेश्वरी दो नाम हैं, ऊपर माँ योगेश्वरी की प्रतिमा है, योगेश्वरी का मंदिर है, तो माँ योग माया योग निद्रा योग माता ये मंदिर जो है और इसके नीचे ये भगेश्वरी यानी कामाख्या महाकाली, उन्होंने साक्षात प्रमाण दिया साक्ष्य दिया, भौतिक साक्ष्य उपलब्ध है, ये आज से नहीं उसी वक्त से दिल्ली पत ने जब यहाँ ऐसा घड़ी का निर्माण किया और इस मंदिर का निर्माण किया, यहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ तोमरों का, तब से यहाँ स्थायी रूप से उन्होंने प्रकट होकर के स्पष्ट प्रमाण दिया, कई प्रमाण दिए, कुछ गुप्त प्रमाण हैं जिन्हें हम आगे भारत की कथा में बताएंगे। अब इसमें जन्मेजय सिंह तोमर ने जो कहा, उन्होंने बोला हे मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म अर्थ काम और मोक्ष अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णी और अंधकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। हे द्विजेतम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि के यानी कि एक ही कुटुंब के माने जाते हैं। अब देखिए जन्मेजय का जो ये प्रश्न है कितना चतुराई भरा है। न च मे तृप्तिर स्त्रिय कथ्य माने पुरातने एकश्चैव मतो
राशिर वृष्णय पांडवास्तथा। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णी और पांडव एक ही राशि और कुटुंब के माने जाते हैं। ये वृष्णी वंशी जो है ना, यही ये भगवान श्री कृष्ण का वंश है। वृष्णी वंशी वो उन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है, जो वृष्णिवंशी थे वे वृष्णिवंशी यादव। तो वृष्णिवंशी और पांडव ये एक ही कुटुंब के हैं, उनका कहना है एक ही राशि के हैं। यहाँ पर तो हे तपोधना, वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हों उन सबको मैं जानना चाहता हूं। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उस सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। तब उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। अब वैशंपायन जी बोले। तो वैशंपायन जी का और जन्मेजय सिंह तोमर की संवाद कथा है। वैशंपायन जी ने जन्मेजय सिंह तोमर को ये कथा सुनाई है श्री महाभारत की। और ये हरिवंश पर भी उन्हीं ने ही सुनाया है हमको। तब वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन सुनो, यह वृष्णवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है, यानी ज्ञान है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूं। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वश को स्थापित कर या क्षमा करें अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। यानी कि यहाँ जो बात कही है, तो हरिवंश का जो श्रवण है जिसमें किसी के जैसे संतान न उत्पन्न होती हो या पुत्र आदि प्राप्त न हो रहे हो या किसी का वंश वृद्धि रुक गई हो, वंश आगे न बढ़ रहा हो, तो उसके लिए ये जो एक ही निदान बताया गया है शास्त्रों में और ग्रंथों में सभी में कि उसे हरिवंश पर्व की कथा सुनना चाहिए। तो जो भी हरिवंश की कथा सुनता है उसे संतान प्राप्ति होती है। तो ये हरिवंश की कथा का ये एक अलग से बहुत बड़ा महात्म्य है और बहुत बड़ी इसकी स्तुति गाई गई है इस संबंध में। तो वही बात वो वहाँ यहाँ भी कह रहे हैं वैशंपायन जी, जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा इसे बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सदत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से ही इस विश्व का निर्माण किया है। हे महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं।
प्रकृति से महत्त्व और महत्त्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है, यही सनातन धर्म है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूं। हे भारत सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्यकर्मा पूर्वजों के यश का, कीर्तन धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ हो और शुद्ध हो और इसका वर्णन करने में मैं समर्थ हूं। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णिवंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का मैं वर्णन तुमसे करूंगा। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। देखिए यहां पर नार और अयन ये दो शब्द मिलते हैं, इसलिए प्रभु को नारायण कहा जाता है। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था, उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में एक वर्ष तक निवास करके उसके दो टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश यानी एक अवकाश, एक रिक्त स्थान की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर दसों दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांक के 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। ये जो 7 प्रजापति हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन यानी संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण ने नारायण में मन लगाए रहने वाले, इनका मन सदा ही सदैव नारायण में लगा रहता है। इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया।
फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। हे भरत नंदन, ये मारीचि आदि सात ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त सात महर्षियों के सात बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन सातों वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, सीधा इंद्रधनुष जो रहता है, पक्ष समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेन्द्रिय से मनुष्यों को और जंगाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति यानी मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे। परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का भी रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा, मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपव पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनिज सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आर्य सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है।